तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आधा जो ब्लॉग बच गया था वो आप लोगों से अभी शेयर करते हैं, तो चलिए देख रही है। सोचा यही पहन लेती हूँ, नया नया देखने से कब पहनो कब पहन लगता है, तो यही पहन लेती हूँ, कंफर्ट रहेगा। चलिए पहन के आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस रेडी हो चुके हो, कैसे लग रही है जरूर कमेंट में बताइएगा। बाल देखे ना पूरा भी गीला है, तो ये कुछ इस तरह से ड्रेस। जैसे मैं कुर्ती के साथ भी जैसा भी पहन सकूँगी और ऐसे भी पहन सकती हूँ, तो मैंने आज बिल्कुल खाली पहना है, देखिए पूरा खाली है। बाय बाय। एक्चुअली गैस 10 मिनट था बस 2 बजने में, इसलिए फटाफट आप लोगों के साथ पूरा बात भी नहीं कर पाई, निकल गए थे हम लोग। हम लोग का घर से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में नहीं लगता है, तो बस पहुँच गए थे। तो केरला स्टोरी देखने के लिए कमेंट में बताइएगा आप लोग में से किस किस ने देखा है, और मैं आपको बाद में बताऊँगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड टिकट ले रहे थे, और ऑनलाइन टिकट चल रहा था, अभी पेमेंट नहीं चल रहा था इसलिए वो पेमेंट कर रहे थे। और मैं इधर घूम घूम कर देख रही थी कौन कौन ज़्यादा भीड़ है कि नहीं बोल के। तो पहले अभी हम लोग का टिकट लिया हुआ हो गया, और ठीक सिनेमा हॉल के सामने ही विशाल है इसलिए थोड़ा सा क्राउड रहता है। तो फाइनली अभी अंदर चलते हैं अभी हम लोग। मुझे लगा हाउस फुल होगा बोल के, लेकिन इतना खाली था, लेकिन बाद में थोड़ा आधा घंटे के बाद थोड़ा बहुत भीड़ हो गया था, लेकिन हाउस फुल नहीं था। पर क्यों हाउस फुल नहीं था वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाउस फुल होना चाहिए था। फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, स्टार्ट नहीं हुआ तब भी आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ। इस फिल्म में मुझे थोड़ा सा बोर नहीं लगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब आजकल के लड़की लोगों को जानना चाहिए, देखना चाहिए फिल्म। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइए देखिए जिसने अभी तक नहीं देखा है। तो चलिए देखती हूँ मैं और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बिलीव करता है उन्हें जन्नत मिलता है, और जो इस्लाम में बिलीव नहीं करता है उन लोगों को दोज़ख। फिल्म देखते देखते पता ही नहीं चला कब इंटरवल आ गया था, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड थोड़ा सा चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स ऐसा लाने गए थे, और मैं यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी और थोड़ा सा फोटो भी क्लिक किया मैंने। उसके बाद फिर से वेट कर रही थी कब फिर से स्टार्ट होगा बोल के, तो फाइनली स्टार्ट हो गया था और ख़त्म भी हो गया, हम लोग निकल गए थे। और उसके बाद थोड़ा देर वहाँ पर रुके नहीं, हम लोग को विशाल भी जाना नहीं था, फिर सीधा घर के लिए निकल गया था, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था, लेट हो रही थी बोल के खाना नहीं खाया था, जाके खाना खाऊंगी बोल के। लेकिन घर पहुँचते बहुत से मामी ने दिया यहाँ पर प्रसादी, क्योंकि थर्सडे को एवरी थर्सडे हम लोग लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं, तो उसी का ये प्रसादी है। जैसे खा कर ख़त्म करती और निकल गए थे अभी हम लोग बाहर, मतलब एवरी मतलब हम लोग फूल तोड़ने के लिए कभी कभी निकलते हैं इस तरह, तो वही निकल गए थे हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग सब कोई घूमते रहते हैं इस तरह शाम होने से, और जहाँ पर जो मिलता है वो सब ले लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगा मुझे लीची, देखिए लीची का टाइम आ रहा है और इतना अच्छा लगता है ना, वो मैं बता रही थी कि जब लीची का टाइम होगा तब तो मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगी तोड़ने के लिए। और यहाँ पर घूमते घूमते हम रेलवे लाइन के उस पार पर आ गए थे हम लोग, मतलब हम लोग का घर से थोड़ा सा दूर है उसको, देखिए ना इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके, इतना सब कुछ था। तो मैं यहाँ पर बोला मैं खुद तोड़ूँगी बोल के, यहाँ पर मैंगो कच्चा आम तोड़ा जा रहा था, क्योंकि कच्चा आम का भी सीज़न है ठीक से मिक्स करके खाने के लिए, किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चा आम इस तरह से तोड़ के खाना। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे और यहाँ पर देख सकते हैं घर पहुंचने के बाद बस घर पर मेहमान आ गए थे ये मेरा घर का रोज़ का ही है, ये बाबू मेरा साथ ही ज़्यादातर रहता है। तो चलिए आज का ब्लॉग बिना लेट किए यहाँ पर एक एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग अगले ब्लॉग पर। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ देख